हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकिता एकेडमी किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो मिल्क केक, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही डिलीकियस बनाई है। और सच में फ्रेंड्स, टेस्ट में अभी बहुत ही लाजवाब दानेदार बना हुआ है। इसको बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स के साथ ये बनकर रेडी हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे ले रखा है आधा केजी आम। आम को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके बाद हम इसके छिकल रिमूव करेंगे और इसका जो पल्प है वो एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों जो आम है उसकी जो प्योरी पल्प है वो एक ग्राइंडिंग जार में निकाल लिया। अब हम इसकी प्योरी रेडी कर लेते हैं। तो प्योरी रेडी करते वक्त आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये बढ़िया अच्छे से ग्राइंड हो गया है और अब हमने ले लिया है एक फ्राई पैन। मैंने यहाँ पे इंडक्शन ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच घी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किया है, 2 ही चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे जो हमारी मिठाई है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। वो जब दूध के साथ हम उसको पकाएंगे तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। ये घर का मैंने बिल्कुल शुद्ध घी लिया है, आप चाहें तो बाजार वाला घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को भी हम गर्म होने देंगे। घी हो गया हमारा अब अच्छे से गर्म और अब उसमें डाल रहे हैं 1/2 केजी फुल फैट मिल्क। आप इसका जो मिलाई वाला जो पार्टीशन होता है, या तो अगर आपका बॉयल दूध है तो आप उसको वो ना निकालें, और अगर आपका बॉयल दूध ना है तो आप कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कच्चे दूध का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसको चलाते हुए पका लेंगे इसी तरीके से। फ्लेम को मैंने अभी हाई रखा हुआ है क्योंकि अभी इसमें बॉयल नहीं आया हुआ है। हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, जब तक हम इसी तरीके से चलाते हुए बीच में पकाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज में हम अब इसमें ऐड करने वाले हैं हमारी जो मैंगो की जो प्योरी हमने तैयार कर रखी है, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड कर लेंगे। और आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके भी इसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एक साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरीके से इसको सबसे पहले आधा इसमें जो भाग है प्योरी का वो मिला लिया है और अब हम इसको धीरे धीरे करके दूध में अच्छे से मैश करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्योरी जो है वो बिल्कुल मैश की हुई है। तो फ्रेंड्स, जब इसको हम दूध में ऐड करेंगे तो ये अच्छे से मैश नहीं होगी, जैसे कि आपको दिख रहा है। इसको मैश करने में समय लगेगा। तो आप इस तरीके से जो जिस चीज़ से भी आप इसको मैश कर रहे हैं उसको धीरे धीरे इस तरीके से मिक्स करते जाएं और प्रेस करते जाएं, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं कि दूध में थोड़ा गाढ़ापन भी आना शुरू हो गया है। इसको इस तरीके से मैश करते करते हमें इसको चलाते हुए पकाना है, और जो इसके साइड्स में जितना भी जो साइड में लग रहा है उसको भी हम इस तरीके से रिमूव करते इसी में मिलाते जाएंगे, क्योंकि उसका जो दाना दाना जो साइड में इकट्ठा हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा हमारी मिल्क केक में। तो आप देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। मैं इसको चलाते हुए ही पका रही हूँ, इसको बिल्कुल भी आप छोड़ के ना जाएँ। और ये देखिए, अब इसकी कंसिस्टेंसी थिक होना शुरू हो गई है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ, दूध जो है हमारा वो फट गया है, बिल्कुल हम इसी तरीके से चाहते थे। अब जो हमारा जो दाना दाना है वो बिल्कुल एक एक अलग हो जाएगा, जैसे मिल्क केक में हम अक्सर खाते हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो इसकी साइड्स में किनोरियों में जो इकट्ठा होता जा रहा है उसको भी हमें इसी में बार बार मिला लेना है, साइड को किनोर को साफ़ करते हुए इसको चलाते हुए पकाना है, तभी तो हमारा बनेगा दानेदार मिल्क केक। तो इस स्टेज पर आप देखेंगे कि इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है, और इसको कंटिन्यू चलाना बिल्कुल भी बंद ना करें। इसके साथ अब इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी शक्कर। शक्कर आप अपने स्वाद अनुसार लें फ्रेंड्स, क्योंकि आम तो हमारा ऑलरेडी मीठा होता है। थोड़ा सा हम इसको बैलेंस, जो इसके खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर शक्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर चलाते हुए पका लेना है हमें। अभी शक्कर मेल्ट होना शुरू होगी तो ये थोड़ा सा और लिक्विड फॉर्म में आएगा, और इसी तरीके से आप इसको चलाते हुए पकाएं। अब ये देखेंगे आप, ये और भी ज़्यादा थिक हो गया है और पैन में अब ये लगने लगा है। तो इस स्टेज पर हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल भी इंडक्शन पर रखकर छोड़े नहीं, नहीं तो ये बिल्कुल भी लग सकता है और इससे हमारे जो मिठाई का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। इसलिए इस स्टेज पर इसको बिल्कुल कंटिन्यू ही हमें चलाते हुए और किनोरों को साइड से साफ़ करते हुए पकाना है। बहुत ही बढ़िया दानेदार हमारा जो मिल्क केक है वो बन के रेडी होने वाला है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें मिला रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो अगर इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंगो का अपना खुद का फ्लेवर होता है, लेकिन जो इलायची है उससे भी इसमें 4 चांद लग जाएंगे। तो हमने इस स्टेज पे इसको अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे चलाते हुए। फ्लेम को मैंने अभी मीडियम कर लिया है, हाई फ्लेम नहीं किया फ्रेंड्स, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी लग जाएगा। और ये देखिए कितना बढ़िया दानेदार खिला खिला हमारा मिल्क केक की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। और आप देख सकते हैं अब इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो गई है, ये पैन पे से ऑयल रिलीज़ करने लगा है, जो हमने घी डाला था वो रिलीज़ होने लगा है और ये पैन से अलग होने लगा है।
इसको हमें सिर्फ थोड़ी देर और पकाना है, फिर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये कंसिस्टेंसी इसको बिल्कुल परफेक्ट हो गई है, पैन से टोटली ये अलग होने लगा। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, जैसे हम लोग एक डो तैयार करते हैं ये उस फॉर्म में आ गया है। तो बिल्कुल हमें यही फॉर्म चाहिए। अब हमने इंडक्शन को कर दिया है ऑफ़ और हम एक प्लेट में अच्छे से घी की कोटिंग कर देंगे। मैंने इस तरीके से इसमें घी लगा दिया है प्लेट में, और अब हमारा जो टेक्सचर है जो हमने रेडी किया हुआ है उसको इसमें पूरा निकाल लेंगे इस तरीके से, और उसको प्रेस करते हुए सेट कर लेंगे। पूरा जो टेक्सचर है वो हम इस तरीके से इसमें निकाल दिया है, और आप देख सकते हैं कितना सारा घी रिलीज़ हो रहा है जो हमने इसमें डाला हुआ था, और फिर दूध भी गाढ़ा था उसमें अच्छा सा। तो इस तरीके से देखिए हम इसको अब इसको प्रेस करेंगे और उसको अच्छा सा सेट देंगे जिससे ये सेट हो जाएगी। और ये अच्छे से हमने सेट कर लिया है इसको, और हमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल लें, और थोड़ा सा आप प्रेस भी कर दें जिससे इसमें अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए ये हो गया टेक्सचर हमारा बिल्कुल ही तैयार, और अब हम इसको उठा के फ्रिज में आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जैसे ही आधे घंटे बाद सेट हो जाएगा उसके बाद इसके अच्छे से पीसेस कट हो जाएंगे। अभी ये गर्म है, अभी आप इसको कुछ भी टच ना करें।